इनेलो नेता अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विधानसभा में कांग्रेस ने किसानों का पक्ष नहीं रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा में बोलने के लिए 22 मिनट का समय मिला था, लेकिन महज 8 मिनट ही किसानों की बात की गई। उन्होंने कहा कि किसानों का पक्ष रखने में विपक्ष विफल रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अशोभनीय भाषा का प्रयोग हुआ है, विधानसभा में किसानों को न्याय दिलाने की बात नहीं रखी गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि मंत्री और विधायक विधानसभा में किसानों को लेकर चिंता जाहिर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने खड़े होकर कहा जा रहा था कि किसानों की आवाज उठाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि कानून के विरोध में किसान लंबे समय से संघर्षरत हैं, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस ने किसानों की आवाज नहीं उठाई। सुनिए इनेलो नेता अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा। कि बजट का जब सेशन आएगा तो मैं गवर्नर के अभिभाषण को बारीकी से देखने का काम करूंगा, और उस को जहां बारीकी से देख करके सरकार और विपक्ष दोनों की किस तरह की भूमिका विधानसभा में रहेगी, फिर आपके साथ सारी बातों को शेयर करके प्रदेश की जनता के रूबरू करूंगा। मैंने कल चीफ मिनिस्टर का रिप्लाई देखा पूरा। मैं उम्मीद तो ये करता था कि आज जो ये किसान आंदोलन है उसको 3.5 महीने से ऊपर हो गए। हम तो ये उम्मीद करते थे कि असेंबली के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस मूव किया गया उसमें हर एमएलए जो है, हर मिनिस्टर जो है, इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त करेगा कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन कल एक नई चीज देखने को मिली, जिस चीज को लेकर के बारी बारी से सारे लोग अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किसान की बात कर रहा था, जो ये कह रहे थे कि हम किसान के साथ खड़े हो जाएंगे, हम किसान के साथ न्याय कराएंगे, हमें इसके लिए चाहे कितना बड़ा भी सेक्रीफाइस करना पड़े वो करेंगे, हम पार्टी से ऊपर उठ करके किसान की लड़ाई में किसान के साथ खड़े हो जाएंगे, ये जो 2 दिन निकले, इन 2 दिनों में किसान की बात विधायकों ने करने की बजाय अपने हल्के के रोने रोए। वो बात तो आप बिना नो कॉन्फिडेंस के भी कर सकते थे। मैंने कांग्रेस के एमएलए को भी देखा, इंडिपेंडेंट्स को भी देखा, और जो सत्ता में शामिल थे जेजेपी के उनको भी देखा। वो सारे के सारे अपने अपने विधानसभा के बारे में चिंता कर रहे थे। किसान की चिंता केवल दिखावे के रूप के ऊपर 2 से 3 मिनट करी। मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी यह विश्वास प्रस्ताव पे बोलते हुए देखा। 22 मिनट का समय उनको मिला था बोलने के लिए, उस 22 मिनट में केवल 8 मिनट उन्होंने किसान की बात करी, किसान आंदोलन की बात करी, और उसमें भी 8 मिनट में भी किसान को कैसे न्याय मिले इस पर चर्चा नहीं, बात करी एमएसपी की, बात करी अपने वक्त के बनाए हुए कानून की, उनमें कैसे आप अमेंडमेंट कर सकते हो उनको लेकर के, जबकि शोर इस बात का मचा रहे थे लगातार, ये कह रहे थे कि हम इस हाउस के अंदर नो कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे, सरकार के सामने किसान का पूरी तरह से पक्ष रखेंगे, जबकि पक्ष रखने में विपक्ष विफल रहा।
ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।